नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र यादव और आप देख रहे हैं पावर प्लांट अड्डा का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कंप्रेसर के बारे में, कंप्रेसर कितने टाइप का होता है और जो पावर प्लांट में हमारे सर्विस एयर, इंस्ट्रूमेंट एयर दोनों अलग अलग होती है, दोनों का क्या यूज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको बताता हूँ कंप्रेसर क्या होता है। दोस्तों, कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि किसी भी गैस के प्रेशर को इंक्रीज करता है और उसका जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस कर देता है। और एयर कंप्रेशर भी सेम ऐसा ही है, जो कि प्रेशराइज एयर में जो पावर होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सेवरल मेथड से। उनमें से एक ये है कि एयर कंप्रेशर जो है किसी टैंक में कंटिन्यू एयर फोर्स करते रहता है, मतलब उस टैंक में एयर भेजते रहता है और उसको प्रेशराइज करते रहता है, और उसको तब तक प्रेशराइज करता है जब तक कि उस टैंक का डिज़ाइन जो डिज़ाइन प्रेशर है उस प्रेशर तक ना पहुँच जाए। और उस जैसे उस प्रेशर पे पहुंचता है, कंप्रेसर शट ऑफ हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। इसके बाद उस टैंक के एयर को तब तक रखा जाता है जब तक कि हम उसे यूज़ ना कर लें। और जैसे ही आप उस टैंक को डिप्रेशराइज करेंगे, उस एयर को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद जो होता है कि जैसे ही वो उसका जो प्रेशर है वो लोअर लिमिट पे जाएगा, अगेन आपका जो कंप्रेशर है स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा पावर प्लांट में कि कंप्रेशर का लोडिंग हो गया, कंप्रेशर का अनलोडिंग हो गया, तो लोडिंग अनलोडिंग यहीं पर यहीं से होता है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कंप्रेसर कितने टाइप्स का होता है। इधर मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। ओके, ये तो पहले दो पार्ट में है। एक है आपका पॉजिटिव और ये है डायनेमिक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक। डायनेमिक में आपके तीन होते हैं, पहला है सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा है मिक्स्ड और थर्ड है एक्सियल। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आते हैं, इसमें तो पहले आपका मेजर दो पार्ट है, एक है आपका रोटरी और दूसरा है आपका रेसिप्रोकेटिंग, ठीक। अब रोटरी में आपका आ जाता है, तीन चार होता है इसमें, बताता हूँ आपको मैं। एक होता है स्क्रू, दूसरा होता है लिक्विड रिंग, थर्ड होता है स्क्रॉल, फोर्थ होता है फैन टाइप, ठीक। और रेसिप्रोकेटिंग में देखते हैं, एक है डबल एक्टिंग और दूसरा है सिंगल एक्टिंग। तो ये देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं अच्छे से। पहले तो दो होता है, एक तो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक डायनेमिक होता है। डायनेमिक में आपका तीन होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल, एक मिक्स्ड और एक एक्सियल। और आपका पॉजिटिव में फिर दो होता है, एक रोटरी एक रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग में फिर आपका दो आ जाता है, डबल एक्टिंग सिंगल एक्टिंग, और रोटरी में आपका स्क्रू लिक्विड रिंग स्क्रॉल और वैन टाइप, ठीक। तो ये है आपके कितने टाइप के कंप्रेशर होते हैं। तो मोस्टली जो हमारा कॉमन यूज़ होता है इंडस्ट्री में वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप होता है और सेंट्रीफ्यूगल टाइप होता है, ठीक। रेसिप्रोकेटिंग टाइप और सेंट्रीफ्यूगल टाइप का मोस्टली यूज़ होता है, ठीक ठीक ये दोनों मोस्टली यूज़ होते हैं। और इसका जो आपको मैं बताता हूँ, जो आपका एयर कंप्रेशर है इनका जो पावर है वो आपका हॉर्स पावर में मेज़र करते हैं, हॉर्स पावर में मेज़र करते हैं या फिर क्यूबिक फिट पर मिनट ऑफ इंटेक एयर, ठीक। हॉर्स पावर में या फिर क्यूबिक फिट पर मिनट ऑफ इंटेक एयर, ठीक ना, इसमें इसका पावर मेजर करते हैं, पावर मेजर, ठीक। मतलब कितने हॉर्स पावर का है
इसे ही पता कर लेते हैं, मतलब इसे ही मेजर करते हैं हॉर्स पावर में, फिर क्यूबिक फीट पर मिनट इनटेक। वही आगे बात करते हैं आपका जो सर्विस एयर और इंस्ट्रूमेंट एयर होता है, इनका क्या क्या यूज़ होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इंस्ट्रूमेंट एयर के बारे में। इंस्ट्रूमेंट एयर, ठीक, इंस्ट्रूमेंट एयर जो होता है, तो जो नॉर्मली आपका कंट्रोल वॉल्व, डैम्पर, या फिर कोई न्यूमेटिक वॉल्व है, या फिर इलेक्ट्रिकल कुछ ऐसा इक्विपमेंट है, उनको ऑपरेट करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर यूज़ होता है। ठीक, इंस्ट्रूमेंट एयर फॉर डैम्पर, न्यूमेटिक वॉल्व, ठीक, इन सब चीज़ों को यूज़ करने, मतलब ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली इसका प्रेशर 7 to 8 kg/cm² रखते हैं। ठीक, इतना ही प्रेशर होता है इसका नॉर्मली। और सर्विस एयर एज नेम, जैसा कि नाम से आपको पता है, सर्विस एयर, ठीक, इसका नॉर्मली हाउसकीपिंग या फिर कुछ पर्चिंग करना है उसके लिए यूज़ होता है। और पर्चिंग या फिर कोई फिल्टर क्लीन करना है, तो उसमें आप एयर सर्विस एयर मार दोगे तो वो क्लीन हो जाएगा। तो इन सब के लिए आपका सर्विस एयर यूज़ होता है। और इंस्ट्रूमेंट एयर में आपका ड्रायर, जो इंस्ट्रूमेंट एयर रहता है उसमें ड्रायर रहता है, तो जो आपकी इंस्ट्रूमेंट एयर आती है वो बिल्कुल ड्राई रहती है, क्योंकि बिल्कुल मॉइस्चर हम इसमें नहीं डाल सकते। अगर मॉइस्चर डालेंगे तो आपका जो वॉल है वो डैमेज हो सकता है, इसलिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर में ड्रायर रहता है। और इसकी एयर जो भी बिल्कुल ड्रायर ड्राई कंडीशन में रहती है, जबकि सर्विस एयर में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रायर लगाना ही है। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, हम विदाउट ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं हम सर्विस एयर को। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कंप्रेशर पे, कैसा लगा ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम नए वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।